हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो आपने मेरी बहुत लाइक की थी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आरोही अवरोही क्रम, जिसको हम इंग्लिश में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब बच्चों, बात ये आती है कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, तो इसको समझाती हूं मैं आपको आरोही क्रम से। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसा कि आप देख रहे होंगे बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ता हुआ क्रम कैसे, जो संख्याएं हमें मिली हुई होंगी वो हमें पहले सबसे छोटी लेनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी हमें बढ़ती हुई संख्याएं उसमें ढूंढनी है। एक एरो के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कि ये नीचे से शुरू हुआ और ऊपर तक गया, यानी बढ़ता हुआ। इसी क्रम में हमें अपनी संख्याएं लगानी होती है, जिसे हम आरोही क्रम कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको छोटी संख्या से, जो कि हम काउंटिंग ही सीखते हैं, उसी से आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6, इस बढ़ते हुए क्रम में हमने इन्हें लगा दिया, तो ये है हमारा आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि घटता हुआ क्रम। अब हमने एरो को ऐसे लगाया था, अब आप इस एरो को ऐसे लगा दीजिए। और जो संख्याएं हमने यहां से एरो के बिल्कुल पॉइंट पे छोड़ी थी, उसको आप इसके 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यानी 6, फिर 5 4 3 2 और 1। अब वही संख्याएं हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ये हमारा अवरोही क्रम हुआ। अब कुछ संख्याएं लेते हैं हम, उन संख्याओं के माध्यम से आपको इन इन संख्याओं को ऑर्डर में लगाना सिखाएंगे। मान लीजिए कुछ संख्याएं हैं हमारी 24, 24, 42, 42, 20, 75, 75, 86, 86, 49, 49 और 93, 93। अब इन संख्याओं को बोला जाए कि आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम के लिए बोला जाए तो हम बच्चों कैसे लगाएंगे इन संख्याओं को आरोही क्रम में? आप ये सारी संख्याएं देखिए और इन सारी संख्याओं में देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 20। अब उससे बड़ी कौन सी है, उसे ढूंढिए आप, 24, यानी 24। अब उससे बड़ी देखिए, 24 से बड़ी कौन सी है? 42, 42। अब इससे आगे ये रहा 49, 49। अब 49 से आगे देखिए, 49 से आगे ये है 75, 75। अब उससे नेक्स्ट देखते हैं, उससे आगे है ये है 86, 86, और उससे नेक्स्ट 93। अब हमसे कोई रह तो नहीं गई है, उसके लिए हमें पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 थी हमें जो संख्याएं मिली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही ये हैं। तो इसका मतलब हमने इन्हें अपने सही ऑर्डर में लगा दिया, कोई भी संख्या हमसे छूटी नहीं है। अब ये हो गया हमारा आरोही क्रम। तो था ना बच्चों कितना आसान? अब जब ये आरोही हो गया, और जैसा मैंने बताया था, यहां पर हमने तीर की तरह हम ऊपर चढ़े, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, अब ठीक अवरोही क्रम में ऐसे कर लीजिए जैसे सीढ़ियां उतरते हैं, यानी जो सबसे बड़ी है उसको लिख लीजिए। यहां पर लिखी थी हमने तो 93, 86, 75, 75, फिर 49, 49, 42, 42, फिर है 24 और फिर है 20। एक बार फिर इन्हें काउंट कर लेते हैं कि कोई संख्या हमसे रह तो नहीं गई है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारी संख्याएं भी बराबर हैं और हमने ऑर्डर भी बहुत देख देख कर लगाया, और यह ऑर्डर हुआ अवरोही, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। यह है हमारा अवरोही क्रम। तो कितना आसान है बच्चों,
आरोही और अवरोही क्रम को समझना और उन संख्याओं को जो हमें अगर दी जाएं उनको उस क्रम उस ऑर्डर में लगाना। तो आगे आने वाली वीडियो में अगले ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ आने वाले हैं, तो देखते रहिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।